तो अभी हम हैं हिमालय दर्शन वाली रूट में और नैनीताल में आज स्नोफॉल हुआ है और थोड़ा घूम के आ रहे हैं और आपको दिखाते हैं स्नोफॉल नैनीताल का। काफ़ी टूरिस्ट आए हुए हैं यहाँ और ठीक ठाक हुआ है स्नोफॉल और काफ़ी दिखाई दे रहा है, तो देखते रहिए वीडियो को। स्टार्टिंग हुआ है, टांकी बैंड से आ गए हम और काफ़ी स्नो है और गाड़ियाँ भी फिसल रही हैं टूरिस्टों की, आप देख सकते हैं वीडियो में। और ये आगे हमारे देखिए स्किड हो रही है गाड़ियाँ, मतलब ये सुबह पड़ी है स्नो और अभी लगभग 12 बज रहा है और सुबह 9 बजे की पड़ी हुई स्नो है। ये हमारे उम्मीद आगे, ये हमारे मनोज भाई, ये देखिए ठीक ठाक स्नोफॉल हुआ है, पहले जैसे पड़ता था वैसा तो नहीं हुआ है और अभी और हो सकता है, तो अगर आपको आना नहीं था विजिट के लिए तो आप आ सकते हैं इस बीच। और ये ऑन रोड है तो आपको ऐसा पैदल भी नहीं आना है, और अच्छी स्नो देखनी है तो आप चाइना पीक जा सकते हैं, वहाँ आपको और अच्छी स्नो मिल जाएगी। देखिए काफ़ी टूरिस्ट आए हुए हैं यहाँ पर आज, क्योंकि आज संडे का दिन भी है, वीकेंड। ये बाइक फंस चुकी है, और ये लेक व्यू है यहाँ पर से नीचे का। ये हमारे उम्मीदवार कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, कुछ नहीं कहेंगे, ऊपर बात कुछ। ये शर्मा रहे हैं थोड़ा वीडियो में आने से, कहीं भाभी ना देख ले, बिन बताए आए हैं भाभी को, इसलिए डर रहे। ये देखिए बहुत ही बढ़िया व्यू टांकी बहन का, ऊपर आपको हिमालय दर्शन पहुँच के दिखाते हैं वीडियो। ये हमारे उम्मीदवार, यहाँ का नंदा देवी हिमालयन रिजर्व पार्क, इससे अंदर को यहाँ से पंगू तक, और इस रोड पे ही आपको स्नोफॉल के चांस मिलेंगे, क्योंकि इस बार यही वीडियो देखने के लिए मिली है, मतलब बर्फ और बारापत्र साइड कम पड़ी है। ये पहुंच चुके हैं हम हिमालय दर्शन, और ये काफ़ी सैलानी यहाँ घूमते हुए, तो अगर आपको भी आना है तो आप आ सकते हैं। ये हमारे मनोज भाई उम्मीदा, पावर बैंक लाए हैं, देखिए सामने आलमा कॉटेज वाली पहाड़ी, और ये थोड़ी सफेद दिखाई दे रही है। ये हमारे उम्मीद और मनोज भाई आगे जाते हुए, शेरशाह और तीन सिंह हिलेरी, आराम से आराम से। ये देखिए ये है हिमालय दर्शन का व्यू, और काफी पर्यटक सैलानी यहाँ मजे लेते हुए, ये देखिए हिमालय दर्शन आपका हार्दिक स्वागत करता है। और ये शायद इस सीजन की सबसे ज्यादा बर्फबारी है नैनीताल में। ये आप देख रहे हैं हिमालय दर्शन से ऊपर का व्यू है, और थोड़े ऊपर तक और जाएंगे हम, और फिर वहाँ पर थोड़ी ज़्यादा स्नो रहती है तो वो जगह आपको दिखाएंगे। ये अभी हम हैं किलबरी रोड पे, तो अगर कल आप आएंगे या परसों तो आपको यहाँ स्नोफॉल मिल जाएगा, मतलब बर्फ रहेगी यहाँ, और हो सकता है आज रात को फिर स्नोफॉल हो जाए। और काफ़ी पर्यटक यहाँ आप देख रहे हैं आए हुए हैं, जैसे कि वीडियो में,
तो पूरी रोड अभी सफ़ेद हो रखी है और थोड़ा ज़्यादा क्राउड है तो कीचड़ हो गया रोड में थोड़ा, अदरवाइज ऑसम। इस सीजन की सबसे ज़्यादा स्नोफॉल का सत्यनारायण मंदिर जो काफ़ी फेमस है, यहाँ भंडारा भी होता है ऐसा। और ये हिमालय दर्शन है, यहाँ से हिमालय का व्यू बहुत अच्छा है, इसलिए इस जगह को हिमालय दर्शन बोला जाता है। लोकल गाड़ी फंस चुकी है यहाँ पर और ये अब कीचड़ ही कीचड़ करेगी, इसके पीछे आएंगे तो पता नहीं क्यों डाली इन्होंने यहाँ पर, गाड़ी डालने लायक हो नहीं रहा है लेकिन फिर भी ये लोकल टैक्सी वाले डाल देते हैं। ये हसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ है मेरे साथिया। ये देखिए आज रविवार का दिन और खूबसूरती अपने चरम पर नैनीताल की। ये देखिए आप नीचे इतनी स्नो है और ये स्नो है ओले नहीं है, तो काफ़ी बढ़िया है। ये देखिए ये हमारे उम्मीदा आगे फुल एंजॉय करते हुए, जेसीबी चालू हो चुकी है, काफ़ी क्राउड था उसके ऊपर को कम है और यहाँ पर स्नो भी बहुत ज़्यादा है। तो उम्मीदा कैसा लग रहा है आपको, मज़ा आ रहा है इन्हें, ये लोकल के हैं जबकि टूरिस्टों को और ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा। दोबारा स्नोफॉल फिर से स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पर काफ़ी अच्छी स्नो है और जेसीबी भी चालू है और लोग एंजॉय कर रहे हैं पर्यटक सैलानी। तो ये है आज की स्नोफॉल और थोड़ी देर और दिखाते हैं आपको यहाँ का कुछ और व्यू। ये देखिए जेसीबी चालू हो चुकी है, ये है वो मोड यहाँ पर स्नोफॉल ज़्यादा रहती है। देखो अभी फिर दोबारा स्नोफॉल स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ पे। ये देखिए अभी फिर स्नोफॉल स्टार्ट हो चुका है। ये है हिमालय दर्शन का व्यू और काफ़ी गाड़ियाँ फंस चुकी हैं यहाँ पर। ये देखिए ये फंसी हुई है, ये ऑल्टो फंसी है और ऊपर भी दो तीन गाड़ियाँ फंसी हुई है, तो अभी मामला डेंजरस है। और जेसीबी चली हुई है, ये देखिए ये है व्यू। तो ये है अभी व्यू हिमालय दर्शन का और देखिए आप देख रहे होंगे लाइव वीडियो में कि बर्फ अभी पड़ भी रही है और हम आए हैं आज अभी ऊपर, समय हो रहा है लगभग 12:30 बजे और बहुत ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आए हुए हैं एंजॉय कर रहे हैं। तो आप भी अगर आना चाहते हैं नैनीताल और स्नोफॉल देखना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। इस सीज़न का सब में ज़्यादा बड़ा स्नोफॉल है ये नैनीताल में, और टाइम भी पड़ी लेकिन कम पड़ी, इस टाइम बहुत ज़्यादा पड़ी है और ये आपको विद इन 1 वीक तक यहाँ पर आपको स्नोफॉल मिलेगा देखने के लिए। और देखिए काफ़ी पर्यटक आए हुए हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो ये है अभी का नज़ारा आज दिनांक 22 जनवरी और बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुआ है यहाँ पर और ये आप देख रहे हैं गाड़ियाँ भी फंस चुकी हैं, जेसीबी लगी हुई है। अब देखिए कितनी देर तक ये जेसीबी लगी रहती है, फिलहाल आपको दिखाते रहेंगे यहाँ के कुछ और व्यू और कुछ और इवेंट और फिर जाएंगे हम घर को वापस। काफ़ी ठंडा पड़ चुका है, आप देख रहे होंगे मेरे गाल भी लाल हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा।
ये है टूरिस्टों की भीड़ आज हिमालय दर्शन में, और गाड़ियां फंस जा रही हैं यहाँ काफ़ी। और ये देखिए अभी इसमें फॉल हो रहा है, अगर आपको दिखाई देगा तो आज काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल यहाँ देखने को मिलेगा, तो आप आ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा सैलानी आज नैनीताल में, दिन रविवार, और बहुत ही बेहतरीन नज़ारे यहाँ पर से। आप देख सकते हैं और सैलानियों की गतिविधि बढ़ गई है, अभी लगभग एक ही बज रहा है, अगर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी लोगों को तो शायद और भीड़ बढ़ने का संभावना यहाँ पर देखने को। आज बर्फ पड़ी है, आपको कैसा लग रहा है नैनीताल में? बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत दिनों के बाद जो है तपस्या के बाद ये बर्फबारी हुई है, और बर्फ पड़ती रहेगी तो हमारी यहाँ पर जो पहाड़ की बीमारियाँ हैं कुछ उससे दबती भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और ये साइंस के हिसाब से भी जो है वक्त पे जो चीज़ हो जाए वो बेहतर है। बिल्कुल बिल्कुल, और जो वक्त पे चीज़ नहीं होती वो दिक्कत देती है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर ये बर्फबारी अच्छी हो जाएगी तो मौसम आगे को अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, सुहाना मौसम हो जाएगा। और ये शायद इस सीजन की मतलब सबसे ज्यादा बर्फबारी है मेरे अकॉर्डिंग, मुझे जो लगता है, क्योंकि अभी पिछले वीक भी पड़ी थी लेकिन थोड़ी बहुत बर्फ हुई थी, ये आज काफी अच्छी साल की सबसे अच्छी और सबसे बेहतर जो है कल रात और जो आज पड़ी है बर्फ, वही बर्फ। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये देखिए आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन नज़ारा है यहाँ पर का हिमालय दर्शन का, और काफी सैलानी यहाँ पर आए हुए हैं और इस बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। आप भी आ सकते हैं अगर आपको आना है तो, ये आपको मिल जाएगी एक आध दिन और। बिल्कुल, और फिर इसी के साथ आप देखते रहिए, बल्कि अभी जो है और आशा है कि अभी बर्फबारी और होगी। हाँ, आज रात भी पूरे चांसेस है कि पड़े, पूरे चांस है, और ये जो अभी तो शुरुआत है, अभी बर्फबारी खूब अच्छी होगी, और अच्छी बर्फबारी होना जो है आगे के लिए फायदेमंद है। बिल्कुल, थैंक यू। ये देखिए मनोज भाई चढ़ गए हैं पहाड़ की टुक्की पे, हवा जो जोश। मनोज भाई कैसा लग रहा है? कैप जैसा लग रहा है। कैप लग रहा है, ये देखिए, ये हम आए हिमालय दर्शन से लगभग 1 किलोमीटर ऊपर, यहाँ बहुत कम टूरिस्ट आए हुए हैं, तो यहाँ भी काफ़ी अच्छी है स्नो, ये आप देख सकते हैं, और कम लोग आए हुए हैं तो ज़्यादा गंदगी यहाँ हुई नहीं है, और अभी लाइव पड़ रही है स्नो, तो काफ़ी बढ़िया व्यू है। गाड़ी अभी भी जाने में लगी है काफ़ी, और बहुत ही रिस्की है। स्लो मोशन बनाओ तो सही यार, एक बंद करो। ये देखिए हमारे मनोजा, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्नो। ये देख रहे हैं आप बहुत ही ज़्यादा स्नोफॉल हिमालय दर्शन में, और आज हम यहाँ पर आए हुए हैं और बहुत बढ़िया लग रहा है। आप भी आ सकते हैं अगर आपको आना है हल्द्वानी, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली से, क्योंकि बर्फ बहुत ज़्यादा पड़ी है जैसे कि आप देख रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं हम यहाँ। तो मिलते हैं, बने रहिए वीडियो में, देखते रहिए। लगभग 2-3 किलोमीटर ऊपर हिमालय दर्शन से, और अभी बहुत ज़्यादा हैवी स्नोफॉल हो रहे हैं, आप देख सकते हैं, और आप आ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। देखिए आज संडे का दिन ऑफ़ हो गया नैनीताल वालों का, और जो भी यहाँ टूरिस्ट आए थे उनका, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है, और जिस जगह पर हमें वहाँ तो काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है, आप देख सकते हैं वीडियो में, और आप आ सकते हैं यहाँ, काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर सकते हैं। ये देखिए हम बहुत ऊपर आए हैं, यहाँ बिल्कुल टूरिस्ट नहीं है, और बिल्कुल बर्फबारी का लुत्फ़ ले रहे हैं हम, और आप भी आ सकते हैं। पहुँच चुके हैं हिमालय दर्शन से 2-3 किलोमीटर ऊपर, और यहाँ पर चाय का आनंद लेते हुए, और ये है बर्फ का नज़ारा चारों ओर का, और अभी देखिए काफ़ी तेज पड़ने लग गई है।
ये देखिए दोबारा हम नीचे आ गए हिमालय दर्शन के पास और काफ़ी टूरिस्ट आ चुके हैं। हाँ आप देखेंगे नीचे भी तक पूरे टूरिस्ट गए हुए हैं। ये देखिए भाई कटियार भाई की है, एक दिन आएगी। बहुत ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ आ चुका है। अभी हम गए थे आगे तक और अब हम लौट रहे हैं घर को और नीचे जाके वीडियो को एंड करेंगे। फिलहाल यहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट हैं, देख सकते हैं। देखिए बेहतरीन व्यू और बेहतरीन। हाँ जी हाँ जी, प्रेस के लिए ना। अच्छा, ये गिर चुके हैं एक बंधु। ये है सत्यनारायण मंदिर जैसा कि आप देख रहे हैं, और टूरिस्ट आने में लगे हैं लगातार और गाड़ियाँ भी फंस रही हैं यहाँ पर, फिर भी लोग ला रहे हैं गाड़ी, पता नहीं क्यों। बहुत ज़्यादा यह हिमालय दर्शन का व्यू काफ़ी टूरिस्ट आए हैं और यहीं पर हम वीडियो को एंड करेंगे। इसके बाद नीचे हम पहुँचेंगे। यहाँ पर स्नो कम है थोड़ी, थोड़ी ऊपर को आप जाएंगे वहाँ पर आपको स्नो ज़्यादा मिलेगी। तो ये फाइनली है हिमालय दर्शन और अब हम जा रहे हैं नीचे की ओर और यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।